भी ब्लॉग हमारे ना वो नहीं होते, समझ रही है? मतलब गलत नहीं, मैं अपने लिए गलत तू भी नहीं 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 इट कैन नॉट बी ग्रीन कलर, इट हैज टू बी डड्डू कलर, में भी डड्डू कलर डड्डू कलर वाओ 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 हाँ। और कैसी बहन ने मिलना हो गया, नाले साथ बैठ के रोटी खा ली। हमारी संस्कृति में यही है कि हम दिवाली पर जरूर दिए जरूर जलाते हैं। भैया का खाना पूरी छोले आलू बैंगन रोटी, यार मत दिखा यार कितनी सारी पूरियां। अभी तक हमने 5 या 6 उड़ाए हैं, उसमें से 2 उड़े हैं सर। फोन मार के। हां जी भाभी, फिर आपका कैसा रहा? से पहले आपने ब्लूपर देखा ही होगा, यहीं पे गिर गया था, फाइनली एक ऊपर गया 3 साल के बाद। हैप्पी दिवाली, पैकअप गाइस, पैकअप पैकअप पैकअप, हैप्पी दिवाली, पैकअप हैप्पी दिवाली। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिवाली नज़दीक है और इस बार की दिवाली यानी कि 2023 की दिवाली कैसी रहने वाली है, हम उम्मीद ये करते हैं कि हम अपनी दिवाली को और ज़्यादा ख़ास बनाएंगे और इस बार कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम अपने होम टाउन जा रहे हैं यमुनानगर, और रास्ते में हमने मैंडेटरी जो है हमारा टी ब्रेक के लिए हमने ब्रेक मारा है, बहुत छोटा सा ब्रेक है, हमने चाय पी ली और अब हम जाएंगे आगे, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। आप हमें बता सकते कुछ इनोवेटिव आइडियाज कि आपने इस बार की अपनी दिवाली कैसे मनाई, तो चलिए चलते हैं। हाय एवरीवन, तो देखो दिवाली त्योहार ही ऐसा है, इतने सारे रिचुअल्स, रीति रिवाज, और इसलिए ये त्योहार मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। इस वक्त हम अपने गांव आए हुए हैं जहाँ पर हमारे पितृ हैं। हम आए हुए हैं सलोनी, कहाँ पे हम आए हैं? मुस्ताबाद, अपनी सती माता का मत्था टेकने, और अभी हम माथा टेकेंगे, उसके लिए तैयारी हो रही है जो कि लड़के करते हैं। ये देखो, ये म्याऊ का पुराना लगा हुआ है साफ सफाई अभियान पे, बस ऐसे ही ये घर के अंदर भी पोछे पोछे लेके फिरता है, वो मुझे दिखता नहीं, यहाँ पे दिख रहा है। स्वच्छ भारत का इरादा, ऑल सेट फॉर पूजा। मेरे को तो भाई पूजा वूजा तो अपा करेंगे नहीं, सती माता का मत्था टेकेंगे, उस पर कपड़े रखेंगे, वो मेरे को मिलेंगे, तो अपन मतलब गलत नहीं, मैं अपने लिए गलत। तू भी नहीं नहीं तू भी जल्दी पूजा करेगी ये वाली। चलो तो फाइनली सती माता की पूजा करेंगे। कितने कूड़े बना के लाए शक्ति, कितने कूड़े बना के लाए हो? जितने मर्जी खाइए। ये पिकनिक की प्लेटें प्लूटे खुल गई अपनी, अच्छा लगता है ना वैसे। सही बात है, उस दिन के बाद तो फिर बच्चे भी जाते हैं, वो भी मजा आता है। हाँ, और कैसी बहन ने मिलना हो गया, नाले साथ बैठ के रोटी खा ली। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी को शुभ दीपावली। तो हम अभी यमुनानगर आ गए हैं, हमने जो हमारा पितरों का पूजन होता है और माता का पूजन होता है वो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस दीपावली पर हम कुछ अलग करने वाले हैं, तो कुछ अलग करने के लिए हम जाने वाले हैं कुष्ठाश्रम, उस आश्रम में जहाँ पर लोग जाने से कतराते हैं, जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं आज भी उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो आज हम वहाँ पर जाएंगे और उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत जो हम करने वाले हैं उससे हम देख पाएंगे कि क्या उनके चेहरे पर वो मुस्कान हम ला पाते हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं। तो आप उसके लिए हमारे साथ बने रहिए, वहीं पर आपको कुष्ठ आश्रम लेकर के चलते हैं।
दिवाली का बहुत अच्छा मौका है और हमने ये सोचा था कि हम वक्त निकालेंगे, इतनी बिजी समय में हम बिल्कुल वक्त ही नहीं निकाल पाते और मुझे ऐसा लगता है कि हमें वक्त निकालना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है और आज हम कुष्ठ आश्रम पहुँचे हैं। आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल भी मैंने सुना आपके घर भी बने हैं। हाँ, घर बनना है, वहाँ मदद करना है तो वहाँ करो। ठीक है, घर बनना है। बनना बनना है, बनना है। ये वाला जो ये रो है ये तो बन चुका है। एक बार जाके देख के आ जाओ, घूम के आ जाओ, देख के भी आ जाओ। तो हम कुष्ठ आश्रम गए, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी तस्वीरों में, वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि कैमरा के सामने नहीं बोल रहे थे और हम भी नहीं चाहते थे कि कैमरा के सामने हम वो चीज़ें आपके सामने ला करके रखें। लेकिन मैं जिन लोगों से मैंने बातचीत की उन लोगों ने बताया कि कैसे जब उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी और ऐसे पड़ाव पर जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों की होती है, बच्चों ने उस हालत में अपने माँ बाप को छोड़ दिया और इस वजह से उन्हें यहाँ पर आना पड़ा। तो सबकी स्टोरीज़ हैं और इन कहानियों के पीछे कहीं ना कहीं अगर हम उनके दुखों को कुरेदे ना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाए, बस हमारी यही कोशिश थी। और मुझे ऐसे लगता है हम शायद थोड़ा बहुत उसमें सफल हुए हैं। सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी, आशीर्वाद भी हमें मिले, बहुत अच्छा लगा। और मेरी आप सभी से भी यही गुजारिश है कि अगर कभी भी आपको वक्त मिले तो आप ज़रूर इनके पास जाइएगा। इन्हें अपने बच्चों की जो कमी महसूस होती है वो कमी दूर कीजिएगा। बस मेरी आप सभी से यही गुजारिश है। हैप्पी दिवाली। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंच के हमने जो गिफ्ट्स का काम होता है वो पूरा दिन भर में निपटाया। पिछली बार मुझे टाइम मिल गया था रंगोली बनाने का, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला रंगोली बनाने का। तो जितना भी बना है वो अभी बना है, आप दिखा सकते हैं। ये देखो, मुझे पता है ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, लेकिन मैंने बहुत जल्दी क्विक वाली बनाई है। अभी फिर फाइनली आपका घर में रंगोली कॉम्पिटिशन खुद के साथ कैसा चल रहा है? खुद के साथ नहीं चल रहा, चल तो बुआ जी के साथ ही रहा है। बुआ जी मेरी, बट बुआ जी इज अ वेरी ही पैथेटिक कॉम्पिटिटर। मतलब जो देख के कोई बहुत आराम से ये ग्रीन पत्तियां आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैंने कौन सी ग्रीन मेरे हाथ में है। हाँ, पर इसमें से कुछ ग्रीन है जो मैंने बनाई है। अभी ये अभी ये बूझो तो जानो है कि अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो कौन सी ग्रीन है वो मेरे वाली। और ये माँ लक्ष्मी के पैर हमारे घर की ओर जाते हुए, मैं आशा करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि महालक्ष्मी के पैर इसी तरह से आपके घर में जाएं और आपके घर में खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए, सुख समृद्धि लाए। और अभी पूजन का टाइम हो गया है तो अभी मैं आपको पूजन के बाद मिलती हूँ। चलिए, बाय बाय। कि अभी हम क्या जोत में क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या हमारी सामग्री है और हम पूजन में क्या क्या चीजें रखते हैं। पूजन के अंदर हम रखते हैं पंचमेवा। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, हमने पांच वो रखे हैं। ओके, इसमें धनिया है, इलायची है, लौंग है, मीठा है। अच्छा, पंचमेवे के अलावा। अच्छा, ठीक है। केसर है तिलक के लिए, कपूर है, चंदन की अगरबत्ती है, चंदन की धूप है। जी, ये क्या रखा हमने? गूगल की धूप है। अच्छा, ये गूगल की धूप है। ये हमारे पांच मेवे हैं और ये हमारा जोत बत्ती का सारा सामान है और ये रहा हमारा चरणामृत। चरणामृत के अंदर हम पताशे डालेंगे मीठे के लिए। अच्छा, हैप्पी दिवाली एवरीवन। और हमारी संस्कृति में यही है कि हम दिवाली पर ज़रूर दिए ज़रूर जलाते हैं और ये प्रतीक होता है महालक्ष्मी के आगमन का, ये प्रतीक होता है भगवान श्री राम के आगमन का। और इस वक्त मुझे इसे कुछ दिन पहले मुझे अयोध्या जाने का मौका मिला जहां पर इस बार 24 लाख दिए जलाए गए थे। हम उतने तो नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 101 दिए ज़रूर जलाएँ और वही मैं कर रही हूँ। और इस वक्त मेरे मन में सच में वो गाना आ रहा है कि राम आएंगे तो अंगना से जाऊंगी
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। रंगोली में दिए लग गए हैं आप, चलिए अब हमारे साथ आ जाइए, हम आपको लेकर चलेंगे अपने घर की छत पर, क्योंकि घर का कोना कोना चमकना चाहिए भाई। घर के कोने कोने में हम दीप जलाएंगे, श्री राम जी को बुलाएंगे। चलिए आ जाइए। और पतिदेव परफेक्ट शॉट लेने की जुगत में लगे हुए हैं, परफेक्ट एंगल लेने की जुगत में लगे हुए हैं। तो पूजा हमने कर ली है और अब हम घर के कोने कोने को प्रकाशित कर रहे हैं। इस त्यौहार की सबसे खास बात ही यही है कि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करता है। बच्चे पटाखे जलाने के लिए, हम लोग घर को प्रकाशित करने के लिए, पूजा करने के लिए। जब हम भी बच्चे थे तो हम भी पटाखों के लिए दिवाली ज़्यादा सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और अच्छी बात यह है कि बच्चे भी भक्ति भाव में भी ज़्यादा रुख कर रहे हैं। श्री राम का नाम, वो है ना ये गाना, भारत का बच्चा बच्चा, पतिदेव को तो बहुत पसंद है ये गाना, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, तो वो वाला सीन आ गया है, वो बहुत अच्छा लगता है। ये दौर जो आ गया है ना कि मतलब बच्चे सिर्फ दिवाली मस्ती के लिए नहीं, पूजा पाठ के लिए भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। हमारा जो देश है वो बदल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस चीज को देख करके खुशी होती है बहुत ज़्यादा। आप भी हमारे साथ अपनी कोई बचपन की जो थॉट होगी आपकी, वो शेयर कर सकते हैं। आपका दिवाली का कोई ख़ास लम्हा आप शेयर कर सकते हैं। मुझे याद है आज भी एक बार हमने घर पे रावण बनाया था, दिवाली पे भी बनाया था, हम कुछ भी करते थे बचपन में, तो रावण बनाया और उसके बाद जब हमने आग लगानी शुरू करी तो उसमें पटाखे तो बजे नहीं, तो फिर मेरा जो भाई था, क्योंकि भाइयों का तो अधिकार ही होता है बहनों को छेड़ना, तो मेरे भाई ने कहा कि ये रावण जो कि हमने बनाया कागज़ों से, इसके अंदर हमने पटाखे लगाए, उसने बोला कि हाथ डाल अंदर और देखिए पटाखे क्यों नहीं जल रहे। मेरा भी दिमाग काम नहीं किया कि अरे मैं ये कर क्या रही हूँ, मैंने सीधा उसमें अंगूठा दिया रावण में और पटाखे धड़ करके जलने लगे और मेरा हाथ जल गया। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि आज के बच्चे शायद उतना सहन नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का हाथ भी जल गया तो हम ऐसे हाथ पीछे ऐसे करके घूम रहे थे कि नहीं मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलेगा तो आज के पेरेंट्स की तरह मम्मी पापा प्यार नहीं करेंगे बल्कि दो चार लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो है और त्यौहार के अपने ही अलग मज़े हैं। ऐसा कोई लम्हा आपका भी हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। पटाखे भी जलने लग गए हैं, अभी केजरीवाल अपनी छाती पे हाथ रख के रोएगा कि क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। चलो आओ फटाफट। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। पतिदेव की आवाजें आ गई हैं, पतिदेव को लगी बहुत तेज भूख। हाँ जी क्या खा रहे हो, इतना मजा क्या खा के आए हैं? बलियों का खाना, पूरी छोले आलू बैंगन रोटी, यार मत दिखा यार कितनी सारी पूरियां। वो तो सारी बात ठीक है, छोलों के साथ पूरी लोग खाते हैं, चलो आलू गोभी के साथ भी पूरी खाते हैं, मतलब आलू बैंगन के साथ पूरी कौन खाता है? मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कहाँ का कॉम्बिनेशन है आलू पूरियों के साथ बैंगन खाने वाला? ये मुझे पता है तू ये सुनना चाहती है और ये अपने ब्लॉग में डलवाना चाहती है कि ये आलू बैंगन जो आज उन्होंने लबाबदार बनाया है ना, तो मेरा मन कर गया कि मैं आज पूरी और आलू बैंगन का कॉम्बिनेशन लूँ। जो आपने मेरे दिल से दिल की बात समझी है, आई विल गिव यू 10/10। ये भाभी की साड़ी के साथ की मैचिंग मिठाई दे रहे हो? ग्रीन कलर? नहीं नहीं नहीं, इट कैन नॉट बी ग्रीन कलर, इट हैज टू बी डड्डू कलर में भी। डड्डू कलर? ओह माय, डड्डू कलर, वाओ 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 वाओ। ओ भाभी मेरी धूल भर गई, धूल भर गई, धूल भर गई, धूल धूल धूल। क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? एरी एरी बजाना देने पटाखे, जवाब नहीं देगी, देखो मतलब बजाने हैं वो सारी। अरे इसने हमसे भूल ही नहीं लो हमने पकड़ लिया।
चल गया ये तो गया। चल छोड़ 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 देखते हैं। बीचों बीच ऐसे हो गया। हाँ जी फिर आपका कैसा रहा? चंद भाई जो टूटे कोई सपना। आजा। हैप्पी दिवाली। तीन साल के बाद फाइनली पहली बार मेरा गंदी हवा में गया। ये अलग तो भाई गाइस तीन साल के बाद सलोनी का पहला कंदिल ऊपर हवा में गया। इससे पहले आपने ब्लूपर देखा ही होगा, यहीं पे गिर गया था, फाइनली एक ऊपर गया तीन साल के बाद। मम्मी परेशान हो रहे हैं कि कहीं गिर के आग लग जाएगी। भाई जब तक इसमें आग है ये ऊपर ही रहेगा, ये ऊपर ही रहेगा जब तक आग है, ऊपर ही रहेगा। अब हो गया जय श्री राम, जय श्री राम। एक और बार हमारा हो गया टाइम फिस। अभी तक हमने पांच या छह उड़ाए हैं, उसमें से दो उड़े हैं। भाई इनको पटाखे चढ़ गए हैं। पैकअप गाइस, पैकअप, हैप्पी दिवाली।